अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। सुबह का 6 बज रहा है। ये देखिए, मैंने शुरकुरमे के लिए दूध गरम रखा है और ये इधर हमारा घी गरम हो गया है ड्राई फ्रूट फ्राई करने के लिए, और बिरयानी के लिए ये हमारा ब्रिस्ता बन के तैयार है। अभी हमारे शुरकुरमे की तैयारी चल रही है। ये देखिए, मैं ड्राई फ्रूट अभी फ्राई कर रही हूँ, जो हमने रात को काट के रख दिया था, इसको अभी फ्राई कर रही हूँ मैं शिरकुरमे के लिए। ये मेरा दूध 5 लीटर है, इसमें उबाला गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ शक्कर, कम से कम इसमें 350 ग्राम या 400 ग्राम के करीब हमें शक्कर लगेगी। ये हमने डाल दिया शक्कर, ये हमारा दूध पक रहा है अच्छे से। अभी इसमें जाएगा हमारा ये ड्राई फ्रूट जो हमने अभी फ्राई करके रखा था। अभी इसके बाद जाएंगे इसमें हमारी सेवई, ये हमारी सेवई भुनी हुई सेवई है। अभी ये जाएगी शिरकुरमे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें जाएगा हमारा इलायची पाउडर। अभी बस हमें इसे अच्छे से पकाना है। हमारा शीरकुरमा हो गया तैयार। ये देखिए, हमने सेवई भी डाले, ड्राई फ्रूट भी डाल दिया, इसमें शक्कर भी डाल दिया। अभी इसको बस अच्छे से पकाना है तो हमारा शीरकुरमा हो जाएगा तैयार। जितना हम पकाएंगे उतना हमारा शीरकुरमा गाढ़ा होगा और अच्छा टेस्टी बनेगा। अभी इसमें डालना है हमें खोवा। अभी थोड़ा और उबाल आ जाए फिर हम इसमें खोवा डालेंगे। ये देखिए, जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किया था वो घी बच गया था, उस घी में मैं ये खोवा डाल रही हूँ। ये 1.25 किलो खोवा है। इस खोवे को मैं अच्छे से भून लेती हूँ। घी में थोड़ा हम भून के डालेंगे ना तो और ज़्यादा हमारा शीरकुरमा टेस्टी बन जाता है और अच्छा गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, मैं खोवे को थोड़ा अच्छे से घी में भून लेती हूँ। भूनने के बाद में फिर मैं शीरकुरमे में डालूँगी। ये देखिए, मैं इस तरीके से खोवे को अच्छे से भून ले रही हूँ घी में भून ले रही हूँ। और इधर मेरा शीरकुरमा पक रहा है। ये खोवा जैसे हमारा अच्छे से भून जाएगा हमें शीरकुरमे में डाल देना है, तो हमारे शीरकुरमे का अच्छा सा टेस्ट बढ़ जाएगा। मैंने गैस को बंद कर दिया। ये देखिए, हमारे खोवे में से घी छूटना शुरू हो गया। अब हमें इसमें डालना है शीरकुरमे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 1.25 किलो खोवा चला गया शीरकुरमे में। अभी हमें अच्छे से इसको घुमाना है। ये देखिए, ये मेरी सोनी तैयार हो रही है। अभी ईद का ड्रेस पहनी है और तैयार हो रही है। इसकी मम्मा उसको तैयार कर रही है। अभी नीचे जाएगी घूमने के लिए, अपने फ्रेंड लोग के साथ जाएगी। हमारे यहाँ नीचे सब झूले वगैरह लगे हुए हैं। हमारी सोनी अभी वहाँ बाहर जाने वाली है। अबे लेडीज सबसे गले में मिल रही हूँ मैं नानी तेरी माँ हूँ मैं। सॉरी, अरे ऐसा मिलेगी, ये जो हमारा अरे वही बात बस वही बात ईद मुबारक। 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 ईद मुबारक।
उसका अच्छे से गले मिलो। अच्छे से ही मिल रहे, देख ले ये ले ये ले, आ जाओ ये मेरा पूरा परिवार। सर पकड़ तुम्हारा। हाय गाइस, मेरी अम्मी की डायलॉग याद है ना? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। और आप सबको ईद मुबारक, हम सबके तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अरे ये हमारी सोनी, सब्सक्राइब करो चैनल को। मेरा पोता मदरसे से आया है। बोलते को सब बोले गाइस, लाइक करो, सब लोग बोले सब्सक्राइब करो। इधर देख बुक्कड़। ओ यूट्यूबर इधर देखिए, ये हमारी सोनी का पेट खराब हो गया है। सोनी हाथी का जल्दी देख।